ॐ अज्ञानतिनिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकयं चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्ठां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीचुतापदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवांश्चीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं करिचनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने, निर्विशेष शून्यवादि पाश्ताय देशतारिणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने बहूतसे नमः वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धूभ्य एव च पतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधान्त नमस्तु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्णचैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वगदाध श्रिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम तो, नमो भगवते वास्ुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाया भगवते वासुदेवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं नरुतं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भतरेषु नित्यं भागवतसेवय भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण सो आज इस श्रीमद् श्रीमद्भागवतम क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं हम श्रीमद्भागवतम के पहले स्कंद और आज दसवा अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए वापस जाते हैं सो बिफोर वी बिगिन दिस चैप्टर टेन आई थॉट विल डू अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्विक रिकैप अभी तक के श्रीमद भागवतम के जो पहले स्कंद के नौ चैप्टर्स हैं, वो किस प्रकार से डिस्कशन रहा है तो भागवतम पहला स्कंद शुरू होता है जहाँ पे शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से छह प्रश्न पूछते हैं क्या छह प्रश्न पूछा जाता है जो शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं पहला प्रश्न सबसे पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि ह्यूमैनिटी पुरुष मनुष्य के लिए व्हाट इज अ मोस्ट बेनिफिशियल थिंग मनुष्य के लिए सबसे लाभदायक चीज क्या है यहाँ खाने पीने की बात नहीं हो रही है उसके जीवन के उद्धार की बात हो रही है <laughs> दूसरा शास्त्रों का सार क्या है वट इज एसेंस वो प्रश्न श्री सूत्र गोस्वामी से पूछने रहे क्योंकि शिला व्यास देव जी सारे शास्त्रों का निर्माण कर चुके हैं वेद को चार भाग में बांट चुके हैं इतिहास पुराण अनेक प्रकार के पुराण लिख चुके हैं महाभारत की रचना हुई है उसके वेदांत तो सूत्र की रचना हुई है वेद तो शास्त्र बहुत बड़ा है बहुत विशाल है तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि अपने गुरु सूत्र गोस्वामी से पूछे शास्त्र का सार क्या है तीसरा भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में क्यों अवतरित होते हैं चौथा एंड पांचवा लीला अवतार और जो पुरुष अवतार हैं यू नो महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु शिरोदक्ष विष्णु और जो लीला अवतार हैं आ, उनके बारे में प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु आप उनके बारे में वर्णन करिए और छठा भगवान श्री कृष्ण यू नो कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञाना, यू नो धर्म ज्ञाना ये सभी जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं धाम चले जाते हैं गोलोक वापस चले जाते हैं उनके उनके बाद जाने के बाद धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ली यू नो अगर हमें धर्म और ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो कहाँ से वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है उस प्रकार से ये छह प्रश्न श्रीमद्भागवतम के पहले अध्याय में पूछे गए और इसका जवाब सुत गोस्वामी तीसरे अध्याय तक तकरीबन तीसरे अध्याय तक इन छह प्रश्नों का जवाब देते हैं और फिर आता है आपका चौथा चैप्टर चौथे चैप्टर जिसमें उसका शीर्षक है नारद मुनि का अवतरण होना नारद मुनि अवतरित होते हैं क्यों अवतरित होते हैं क्योंकि व्यासदेव जी बड़े दुखी हैं बड़े असंतुष्ट हैं उन्हें शास्त्र सब लिख लिए हैं फिर भी उनके मन को संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पे इस चौथे अध्याय में फिर सौनक आदि ऋषि तीन प्रश्न पूछते हैं उनमें से एक प्रश्न के जवाब में ये जो अभी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उस ये जो चैप्टर्स का वर्णन आ रहा है उस प्रश्न के उत्तर के रूप में आ रहा है तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि भागवतम का निर्माण कैसे हुआ भागवतम की रचना कैसे हुई तो इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी व्यास देव और नारद मुनि के संवाद का वर्णन करते हैं जो चौथे पांचवे और छठे चैप्टर तक तो जिसका वर्णन किया गया है तो उसमें इस उत्तर का जवाब दिया था कि श्रीमद् भागवतम यू नो वैन एंड हाउ किस प्रकार से उसकी रचना हुई किसके इंस्पिरेशन से व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी दूसरा प्रश्न पूछते हैं परिषद महाराज के बारे में क्योंकि ये जो भागवतम है उसका व्यासदेव और नारद मुनि के बाद जो कथन हुआ है वो सुखदेव गोस्वामी ने परिषद महाराज के लिए किया था तो फिर प्रश्न पूछते हैं सोना गादी ऋषि कि परीक्षित महाराज जो पूरे संसार के राजा थे पांडवों के ग्रैंड सन थे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे उन्होंने इतनी कम उम्र में सब कुछ क्यों त्याग दिया और उन्होंने इतनी कम उम्र में जाकर जंगल में जाके ये रनउंसिएशन का मार्ग क्यों चुना और फिर तीसरा प्रश्न आता है कि सुखदेव गोस्वामी उनके बारे में बताइए और कैसे सुखदेव गोस्वामी का परिषित महाराज से मिलना होता है इस प्रकार के तीन प्रश्न चौथे अध्याय में पूछे गए थे कि चौथे अध्याय से छठे अध्याय तक पहले प्रश्न का जवाब दिया गया कि श्रीमद् भागवतम का निर्माण कैसे हुआ उसकी इंस्पिरेशन शिला व्यासदेव को कहाँ से मिली और अब ये जो दूसरा प्रश्न है परीक्षित महाराज के ऊपर परीक्षित महाराज का जन्म उनका कर्म उन्होंने किस कारणवश इतनी कर्म उम्र में सब कुछ त्याग दिया उसका वर्णन आपके सातवें अध्याय से लेकर श्रीमद भागवतम पैलेस कंध के आखिरी चैप्टर तक रहेगा नाइनटीन चैप्टर तक और उसी बीच अट्ठारहवें और उन्नीसवें चैप्टर में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था सुखदेव गोस्वामी के बारे में उसका वर्णन आएगा तो जैसे हमने देखा आपका सातवां अध्याय तो जो सूत्र गोस्वामी कथा शुरू करते हैं परिषद महाराज के जन्म की कथा शुरू करते हैं युद्ध के अठारहवें दिन की रात्रि से जिसको महाभारत में सौप्ति का पर्व कहा जाता है और यहाँ पे भागवत में उसका शीर्षक है सन ऑफ द्रोणा फनिष्ठ अश्वत्थामा की कहानी आती है सातवें अध्याय में उसके बाद आठवें अध्याय में वर्णन आता है आपका कैसे युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान उत्तरा का संरक्षण करते हैं अर्जुन का संरक्षण करते हैं ब्रह्मास्त्र फिर उत्तरा का संरक्षण करते हैं उत्तरा का मतलब उत्तरा की गर्भ का जिसके गर्भ में परीक्षित महाराज हैं उनका संरक्षण करते हैं युद्ध तो समाप्त हो चुका है अब युद्ध महाराज को चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहा है अब युद्धष् महाराज राजा बन सकते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं तो उस समय माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं उनसे प्रार्थना करती हैं तो वो है आठवां चैप्टर प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती और वो प्रेयर्स खत्म होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय बना लिया है कि वो द्वारका जाएंगे तो उस समय युधिष्ठिर महाराज आते हैं और युधिष्ठ महाराज कहते हैं प्रभु अभी आप मात जाइए क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूँ मैं बहुत दुखी हूँ क्यों चिंतित हैं क्यों दुखी हैं उसका वर्णन हमने महाभारत से कुछ आपको उदाहरण देकर पिछले सत्रों में उसका वर्णन करा था तो युधिष्ट महाराज ने निर्णय लिया है जैसे अर्जुन ने महाभारत की युद्ध की शुरुआत में निर्णय लिया था क्या मैं युद्ध ना नहीं लड़ूंगा अब यहां युद्ध समाप्त हो गया है तो युधिष्ठ महाराज ने क्या निर्णय लिया है ना राजा नहीं बनूंगा तो युद्ध की शुरुआत में अर्जुन कहते हैं ना युद्ध नहीं लड़ूंगा तो युद्ध के अंदर में युद्धिष्ठ महाराज क्या कहते हैं तो युद्ध की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका था अर्जुन का युद्ध के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है दोनों ही ना तो एक सोचने वाली बात है एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है ना जब एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं तो right? right? so जब भी भक्त के जीवन में एडमिनिस्ट्रेशन वाली सेवा आती है ना जाने क्यों बेचारा विचलित हो जाता है मैं ही क्यों <laughs> बुल्ला की मैं जाना कौन मैं कौन याद ना होगा ना मैं कौन मैं ही क्यों मुझे ही क्यों पकड़ते हो आप सेवा के लिए कोई और पकड़ लो जनरली भक्तों का अप्रोच रहता है क्योंकि भक्त क्या सोचते हैं अरे मुझे शांति से नाम जब करने दो भाई क्यों संकट में डाल रहे हो ना थोड़ा डनाशियशन तो थो डेवलप हो ही जाता है बट क्योंकि हम भौतिक दुनिया में है और इस दुनिया में रहते हुए हमें अपने कर्म भी निभाने हैं और साथी साथ ही साथ शिला प्रभुपाद जी ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम सभी के लिए अर्पण किया और शिला प्रभुपाद ने जाते जाते हम सबको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया क्या तोहफा दिया शिला प्रभुपाद ने बुक्स का तोहफा दिया करेक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स में जीबीसी जी दिया तेरे को जीबीसी क्या करना भाई इस कौन दिया रे हमारी सेवा तो स्कॉन के प्रति है तुम तो जी के थी पीछे पड़े हो हमें स्कॉन दिया राइट एडमिनिस्ट्रेशन है तो हमारा भी तो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी भी तो सेवा बनती है इस्कॉन के प्रति तो स्कॉन शिला प्रभुपाद ने कहा इज माई बॉडी सो so शिला प्रभुपाद वो इंस्टीट्यूशन छोड़ के गए और बनाया हमारे लिए सोचो वो इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो आज हम लोग साथ में ऐसे होते अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो मैं कोपन पहन के वृंदावन के किसी जंगल में भटक रहा होता गोस्वामी के भैया सुनो <laughs> <so no? laughs> <Agred or not? laughs> और तुम में से शहर के कितने बालक वहां पे आते हैं बालिकाएं ऑफ कोर्स कोई नहीं आता डर के भाग जाता कौन है पागल सुखदेव गोस्वामी ना आगे अठारवे अध्याय में, में पढ़ेंगे कैसे सुखदेव गोस्वामी लंबे बाल हमारे थे प्रभु अभी एक लंबे बाल जब नाई वाले के पास गए तो बोलता भाई है तू <laughs> तेरे बाल कहाँ से काटना शुरू करूँ तो उसको रिसर्च करनी पड़ेगी बाल कैसे काटू तो आप सोचो अगर आप इंस्टीट्यूशन नहीं होता नियम नहीं होते क्लिनलीनेस के प्रिंसिपल्स नहीं होते तो व्यक्ति किस प्रकार से रहता तो प्रचार नहीं होता तो मेरा तात्पर्य यह है मेरा तात्पर्य कुछ नहीं है मतलब यह है पिछले दो तीन दिनों से बहुत एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है मेरा टेम्पल को लेकर तो इसलिए वो अभी भी हाल ही की रियलाइजेशन थी सुबह बैठकर भी मैं जब खतम मेरे साथ ई पे रिप्लाई कर रहा था तो अभी मॉर्निंग रियलाइजेशन थी जब भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है ना तो लगता है अरे यार किसी और को दे दो ना मैं ही क्यों एम ट्राइंग टू मेक हियर इज युधि महाराज इज पर फॉर जेनुअन रीजन्स और वो अब ये राष्ट्र को संभालने की सेवा नहीं करना चाहते वो बहुत बड़ी चीज है सी टेल यू फ्रेंकली स्पीकिंग ये शुरुआत में शुरू के दिन में बड़ा शौक होता है मैं बहुत प्रसिद्ध कीर्तनया बनू मैं बहुत बड़ा प्रवक्ताकार बनू मैं जैसी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में एंट्री मारता है एक हफ्ते के बाद सोचने लगता है कब मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा इतने दिनों का मंदिर में आएंगे कब मैं लोगों को बोलूंगा ये करो वो करो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है जिस व्यक्ति को ये सब मिलता है ना उससे पूछो जाके असबियत क्या है एनी लीडरशिप रोल इन कलयुगा इज अ थैंकलेस टास्क दुआपर युग का तो स्थिति इतना बिगड़ा नहीं था पर कलयुग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है So, यहाँ पर युदिष्ठ महाराज सेवा को अपनाना नहीं चाहते पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं आप ही करो और क्यों करो आज जो दसवा चैप्टर उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से उसका उल्लेख होगा क्यों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठ महाराज को ही राजा बनाना चाहते थे दुर्योधन भी कोई बुरा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था तो क्यों भगवान युधिष्ठ महाराज के पीछे पड़े थे जो जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते जिन वनवास में गए थे वन पर महाभारत में वर्णन आता है आप लोग को याद होगा एक दिन द्रौपदी ने बहुत झाड़ा था युधिष्वर महाराज को याद है वो जब व्यासदेव जी आए थे उनको शांत करने के लिए द्रौपदी युद्धि के घरेलू मामले को शांत करने के लिए व्यासदेव जी को आना पड़ा था बेचारे चिंतित हो गए कहीं कला ज्यादा ना हो जाए वो उनको जंगल छोड़ के व्यासदेव को दूसरे जंगल में युद्धिष्ठर महाराज और द्रौपदी से मिलाया क्योंकि द्रौपदी एक दिन बहुत क्रोधित होगी क्यों युधिष्ठर महाराज बड़े प्रेम से जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं किसके जीवन में कलेश है केवल द्रौपदी के जीवन में क्योंकि बेजती उसकी हुई course, महाराज की भी हुई पर महाराज उनका ब्राह्मणिकल नेचर था तो वो सब आसानी से भूल गए फॉरगिवनेस इज अ वर्च्यू ऑफ अ ब्राह्मण फॉर अ डिफिकल्ट जिसका क्षत्रिय नेचर होता है तो भीम और द्रौपदी चढ़ जाते हैं युधिष्ठ महाराज के ऊपर और फायरिंग रेंज में लाकर युद्धिष्ठ महाराज को फायरिंग करना शुरू कर देते हैं तो उस समय शिला आते हैं उन सबको शांत करते हैं तो युद्ध द्रौपदी क्या कहती है अरे कैसे राजा हो आप? आपके संग इतना अन्याय हुआ आपके भाइयों के संग आपकी पत्नी के संग इतना अन्याय हुआ और आपको तो देखो साधु संत की मंडली में प्रेम से गप्पे मारते रहते हो न कौन से गप्पे हैं ये कृष्ण कथा चल रही है ओके, okay? हम हमारी गलती नहीं आपको भी पता है, हुआ है हमारे पास भीम है अर्जुन है नकुल सहदेव जैसे योद्धा है क्यों नहीं अस्त्र उठाते क्यों न पुस्तक की तरह जंगल में बैठे हो उठाओ चलो अभी युद्ध करो उस समय व्यासदेव जी को आना पड़ता है व्यास जी बताते हैं कि अभी आप लोग रेडी नहीं है व्यासदेव जी आके फिर युधिष्ठ महाराज को मंत्र देते हैं जो युद्धिष्ठ को कहते हैं कि ये युधिष्ठ ये मंत्र आप अर्जुन को दीजिए इस मंत्र के उच्चारण से याद है कहानी इस मंत्र के उच्चारण से अर्जुन बहुत तीव्रता से पहाड़ों पे चलते हुए कूदते हुए स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां से अर्जुन जाके इंद्र लोग जाते हैं ये उस समय की कहानी है दैट्स हाउट दिस इंसिडेंट है युधिष्ठ महाराज कभी एडमिनिस्ट्रेशन लेना ही चाहते थे दैट्स बैकग्राउंड देयर सो so, यहाँ पर अभी फिलहाल आज इस चैप्टर में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के युधिष्ठ के पीछे पढ़ेंगे तुम ही राजा बनो व्यक्ति चाहता नहीं है फिर भी भगवान चाहते हैं उसका कारण क्या है क्योंकि युधिष्ठ महाराज अगर भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ही इज द बेस्ट पर्सन और उसका आज हम थ्रू लॉजिक थ्रू एनालिसिस भी देखेंगे कैसे इस दसवें दसवें अध्याय में उसका वर्णन किया गया है उसके बाद आठवें चैप्टर के बाद प्रेय सुकुंती के बाद जब युधिष्ठ महाराज कहते हैं मैं राजा संभालने के लिए तैयार नहीं हूं मुझे नहीं बनना राजा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो भीष्म पितामा के पास और भीष्म पितामा से उनको शिक्षा दिलवाकर हमने ये हाल ही में सेशन समाप्त किया है और अब शिक्षा समाप्त होने के बाद युधिष्ठ महाराज कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ मैं राजा बन सकता हूँ और इसके बाद अकॉर्डिंग टू महाभारत युधिष्ठ महाराज रूल करने लगते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठ से आज्ञा लेकर द्वारका के लिए प्रस्ताव करते हैं तो उस लीला का वर्णन अब जब युधिष्ठा महाराज राजा बन चुके हैं राज्य करने के लिए तैयार हैं तो अब उसका वर्णन इस दसवें चैप्टर में आता है और इस दसवें चैप्टर की जो यहाँ लीला वर्णन है वो महाभारत के फोर्टींथ बुक या फोर्टीन पर्व जिसका नाम है अश्वमेध पर्व तो इस अश्वमेध पर्व में दो प्रमुख चीज़ें होती हैं तीन चार प्रमुख चीज़ें होती हैं एक भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते हैं दूसरा युधिष्ठ महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं और सॉरी सबसे पहले होती है सबसे पहले आता है इसके अंदर इस अश्वमेध पर्व के अंदर महाभारत के अंदर वर्णन आता है अनुगीता आप में से कुछ लोगों ने सुना है अनुगीता नॉट भगवदगीता अनुगी। या अनुगीता ये अनुगीता का वर्णन आता है महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कुछ दिनों के लिए इंद्रप्रस्थ जाते हैं और फिर वहां से वापस आते समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है प्रभु मैं आपके द्वारा दिए गए उपदेश को भूल गया हूँ तो इस पे लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि क्या सही में अर्जुन भूले थे क्योंकि महाभारत में जो अभी जो महाभारत हम पे है, तो आचार्यों का मानना है कि इसमें थोड़ा बदला कर यू नो थोड़ा एडिशंस करे गए हैं इट्स नॉट अ करेक्ट वर्शन क्योंकि भागवतम के अनुसार हम देखते हैं कि अर्जुन हैड नॉट फॉगॉटन भगवदगीता मैसेज है भगवदगीता बट एनी वेज महाभारत में इसका वर्णन आता है अनुगीता का जब भगवान श्री कृष्ण फिर सारांश में भगवदगीता के उन प्रमुख सब्जेक्ट मैटर का वर्णन करते हैं स्टोरी फॉर्मेट में लॉर्ड श्री कृष्णा नरेश हिस्टोरिकल नरेशं टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर वापस आते हैं और वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने ज्येष्ठ के पास जाओ और ज्यष्ठ से कहो कि मेरी इच्छा है कि अब मैं हस्त द्वारका वापस जाना चाहता हूँ युधिष्ठर तुम्हारी बात को मना नहीं करेगा तो इस प्रकार से अर्जुन युधिष्ठर से मिलते हैं प्रार्थना करते हैं तो युधिष्ठर मान जाते हैं और अब यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। उससे पहले चैप्टर टेन में स्टार्टिंग के श्लोकों में वर्णन आता है यही यह कहिए शौनक ऋषि टेक्स्ट वन में शौनक आदि ऋषि शौनक इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल राइट तो सूत गोस्वामी से पूछते हैं प्रभु युधिष्ठ महाराज जिन्होंने इतनी साल कठिन तपस्या करी तेरह साल का वनवास और युद्ध करा और आज उनका कोई दुश्मन नहीं है ही इज अनडिस्प्यूटेड किंग तो उन्होंने किस प्रकार से राज्य किया ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन के दो भाग हैं क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसलिए मैं थोड़ा इस विस्तार पर चर्चा कर रहा I believe it was Abraham Lincoln, U.S. President, who made a statement. The character of a man is tested when he is given power. अगर किसी व्यक्ति के चरित्र को नापना है so give him position and power. क्यों Power corrupts. जब व्यक्ति के पास power आती है लोगों को influence करने की लोगों के जीवन में डिसीजन्स लेने की और जहां लोग आपके ऊपर निर्भर होते हैं अपने जीवन के लिए तो दैट इज कॉल्ड तो पावर इज फार ग्रेटर इन टॉक्सिकेशन देन पावर ऑफ यू नो देव देन यूर पोजेशन ना यू कंट्रोल लिविंग बींगस आप हो सकता है बहुत रईस हो पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं कोई दोस्त नहीं उसमें कोई चाव नहीं है यस यू नो आपके पास दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज दुनिया का सारा पैसा हो उसमें कोई आनंद नहीं है क्योंकि वो सब डेड मैटर है और डेड मैटर से आनंद प्राप्त नहीं होता अब आपके पास जीवात्माएं हैं एंड यू कंट्रोल एंड युधिष्ट आज नाउ कंट्रोल्स एट दैट टाइम इट वॉज मोनार्क देर वॉज नो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं कि युधिष्ट महाराज को डर लगेगा अगर मैंने पांच साल रूट ढंगा नहीं करा अगले वोटिंग में लालू प्रसाद जी वापस आ जाएंगे उनका बेटा वापस आ जाएगा you know, there was no fear of that. So, इस स्थिति में सोचिए अगर कोई व्यक्ति राजा बन जाए जहां जो कहे वो होगा और कोई उसके डिसीजन का उल्लंघन नहीं कर सकता हल्का सा भी उल्लंघन करा तो गला काट दिया जाए। जाएस एटलीस्ट महाभारत में उसका वर्णन आता है कि आप राजा से मिलने जा रहे हो तो सावधानी से मिलना हल्का सा इधर उधर करा हल्का सा भी बताया जाता है हल्का सा भी राजा को अपने दुखी करा कैन गिव यू नो बडी कैन चैलेंज नो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इज ऑनली वन कोर्ट राजा बोला फाइनल नो बडी कैन चैलेंज यहाँ सोनकाशी पूछ रहे हैं बिकॉज जनरली देखा जाता है पॉवर करप्ट करती है और अब युधिष्ठ महाराज इतने सालों के बाद राजा बने हैं उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है तो उसने कैसे राज्य किया एनी एग्जाम्पल फ्रॉम द हिस्ट्री From Vedic history, where power corrupted, वो व्यक्ति पहले तो बड़ा अच्छा था चरित्र और जब उसको राजा बनाया गया या उसको पोजीशन दी गई तो उसका असली रंग निकल कर आया एनी आंसर अरे तुमने पहले हाथ खड़ा करा मैंने क्वेश्चन और समझाया तो हाथ नीचे हो गया अभिषेक नहुशाह यस आकाशवाणी है या आपकी आकाशवाणी है आपका है ओके बिकॉज यू डू आकाशवाणी ना, नहुषा, नहुषा पांडवों के ही पूर्वज थे और उनको वायु देवता वरुण अग्नि देवता आके विनती करते हैं चलिए इंद्र नहीं आप इंद्र की पोजीशन संभालिए, वह नहुषा कहते हैं नहीं नहीं प्रभु मैं लायक नहीं समझिए छठे स्कंध में वर्णन आता है महाभारत ने विस्तार से नहूसा की कहानी का वर्णन किया था नहूसा को जाके इंद्र की पोजिशन में बिठा देते हैं और अब नहुसा इतना पावरफुल हो जाता है कि वो वायु वरुण सबसे अधिक पावरफुल हो जाता है और फिर क्या होता है जब जब पावर मिलती है तो एक्चुअली पावर करप्ट धीरे धीरे वो अपराध करना शुरू कर देता है और पावर करप्स मीन्स वाइन एंड वुमेन और अब उसके अंदर काम वासना जागने जागृत होने लगती है और अब ये नहुसा जो इंद्र की पोजीशन में बैठा है जो पहले इंद्र की पोजीशन पर बैठा था उनकी पत्नी सची माता और मदर साची को बोलता है तुम बड़ी खूबसूरत हो हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं मदर साची ने बोला यहाँ अब ये स्वर्ग है डाइवोर्स नहीं होता और मेरा पति वापिस आने वाला वेरी माइल्ड शी वॉज ऑफेंडेड हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस अनुस के कारण हमें पता है कैसे नहुसा का पतन होता है कोई और उदाहरण वाली।, वाली वाली, वाली, नॉट से सुग्रीव। तो वेरी वैसे ही बड़ा एरोगेंट था सुग्रीव इज वॉट एग्जाम्पल इस ऑफ पावर कर भगवान राम का संघ मिलने के बाद भी उसकी स्थिति कैसी थी राम से मिलने के समय प्रभु रक्षा करिए संरक्षण करिए और वचन देता हूं कि मैं अपना वचन निभाऊंगा फायर सेक्रीफाइस करके वहां पे वचन लिया था भगवान राम के संग और चार महीने के लिए जब भगवान कहते हैं अभी रेनी सीजन है मॉनसून सीजन है भूल जाओ बाद में करते हैं सीता की खोज चार महीना जब मॉनसून सीजन भी खत्म हो गया है हमारे सुग्रीव जी है ही नहीं कहीं वो अपनी लीला रच रहे हैं बंदर और बंदरियाए और तब तो लक्ष्मण क्रोध में आके जाकर ली को डां सुग्रीव को डांटते हैं और जब सुग्रीव को आवाज वो नशे में लुत है पूरा और जब सुग्रीव को आवाज़ सुनाई देती है तो सुग्रीव तब भी उठ के नहीं जाता तारा को आगे भेजता है तारा आके रामायण वर्णन है तारा आके लक्ष्मण को शांत करती है बोलती है भैया तुम क्यों क्रोधित हो भूल गए क्या है तो वानर का ना वानर तो होते ही यू नो यू कैनॉट यू कैनॉट ट्रस्ट मंकीज यू शुड गेट पैसिफाइड ऑल दैट एंड देन हनुमान जी कम्स एंड पैसिफाइज And उस प्रकार से फिर सुगरीवाकर माफी मांगता है सो दट इज वाई दिस क्वेश्चन इज बी युधिष्ट महाराज वॉट डिड यू डू और कोई एग्जाम्पल ये ना या नेगेटिव कैरेक्टर सी आई एम आर बिफोर पॉवर यू हैड गुड कैरेक्टर एंड पॉवर करप्ट किंगना तो बचपन से पागल था तो उसकी कहानी नहीं सो टू लिव बायक्टर एंड इंटिग्रिटी ुट पावर दिल्स वर्सन यू आर एंड इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठ महाराज को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि युधिष्ठ महाराज हम आगे बढ़ेंगे एब्सुल्यूट पावर होने के बाद भी उसने एक मात्र का इंद्र तृप्ति में अपना समय व्यर्थ नहीं किया इसी प्रकार हम शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे सकते हैं शिला प्रभुपाद

इसकॉन में भी लीडरशिप क्राइसिस हुआ क्योंकि लीडरशिप पोजीशन आपको प्रेस्टिज मिलती है उसके अपना लाभ है क्या उस लाभ आदर सम्मान के लायक व्यक्ति भी बना है या नहीं जैसे गुरु की पोजीशन कहीं दूर से भी गुरु नजर आ जाए तो लोग एक पत्ते की तरह नीचे गिरने लगते हैं आई मीन इमेजिन यू नो हाउ मच रेस्पेक्ट एंड इफ अ पर्सन इज नॉट वेरी इंटरनली कनेक्टेड विद द लॉर्ड एंड विद गुरु द पर्सन कैन नॉट कंटिन्यू पॉइंट इसलिए लीडरशिप की पोजीशन में बड़े सोच समझ कर सतर्कता से व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है या उनको उस चीज के लिए कहा जाता है तो उस चीज का एक वर्णन है यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहता था क्यों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठ को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन युधिष्ठ महाराज सॉरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे युधिष्ठ महाराज जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया तब भी उन्होंने कभी धर्म को नहीं त्यागा और जब उनको सब कुछ दे दिया गया तब भी उन्होंने कभी धर्म को नहीं त्याग सो दॉइंट आई एम थ्रें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की लीडरशिप रोल में है

This material world is compared to a university. You remember, I often give the example. This is बहुत ही दुनिया एक uh, college की तरह है College में क्या होता है सरप्राइज टेस्ट परीक्षाएं होती रहती हैं समय के बाद समय समय के बाद परीक्षा होती रहती हैं सो टाइम एंड अगेन एज अ डिवोटी विल test, बी टेस्टेड एंड टेस्ट वी mercy एज अ Lord. एंड what वी आर टेस्टेड वी आर टेस्टेड when वी गेट सक्सेस जब हमारा प्रचार सफल होने लगता है हमारे को पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है हम किसी भी सेवा में हमें उपलब्धि प्राप्त होती है कोई मृदंगा बजाना बहुत अच्छे से सीख लेता है कोई क्लास देना बहुत अच्छे से सीख लेता है कोई पिपड़ी अच्छी तरीके से बना लेता है कोई रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से कर लेता है अनेक अनेक उदाहरण हो सकते हैं तो समय हमारा टेस्ट होता है विनम्रता का कैन आई स्टिल मेंटेन ह्यूमिलिटी और आई बिकम प्राउड कई बार लोग एकादशी का निर्जल फास्टिंग करते हैं और रिजल्ट फास्टिंग करते समय यही सोचते रहते हैं कितने पतित हैं एकादशी के दिन भी खाते हैं तो दैट इज नॉट अ सक्सेस ऑफ़ एकादशी सो द टेस्ट ऑफ डिवोटी इन अ सक्सेस इज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी एंड व्हेन अ पर्सन फेसेस फेलियर जब व्यक्ति जब भक्त के जीवन में कठिनाइयां आती हैं देन इट इज अ टेस्ट ऑफ देन इट इज अ टेस्ट ऑफ जब जीवन में सफलता प्राप्त होती है देन इट्स अ टेस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी जब जीवन में परेशानियां आती हैं भक्त के जीवन में देन इट इज अ टेस्ट ऑफ यस यस कंसिस्टेंसी क्या मैं जारी रहूंगा क्या मैं करता रहूंगा एंड फेथ दैट इज पार्ट ऑफ फेथ एंड कंसिस्टेंसी इज इंटरकनेक्टेड विद दैट सो दैट एज अ अल बैकग्राउंड टू इट दिस आज हमने शुरुआत से अब तक ये अभी दसवें चैप्टर पे कैसे पहुंचे हैं श्रीमद भागवतम का वर्णन कैसे हो रहा है और युधिष्ठर महाराज को क्यों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठ महाराज को ही राजा बनाना चाहते थे उसका मैंने आपको बैकग्राउंड दिया सो so, टेक्स्ट सुत गोस्वामी पूछते हैं शौनक शा, आदि पूछते हैं कि युधिष्ठ महाराज ने कैसे राज्य किया क्या उन्होंने किसी भी समय इंद्र तृप्ति में अपना समय व्यत किया और शौनक आदि ऋषि कहते हैं हो ही नहीं सकता प्रभु युधिष्ठ महाराज तो कर ही नहीं सकते तो उन्होंने कैसे राज्य किया तो यही प्रश्न ही दर्शाता है कि युधिष्ठ महाराज ने जो युद्ध किया दुर्योधन से वो दु युद्ध किस लिए किया सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए वो युद्ध युधिष्ठ महाराज ने कभी भी इंद्र तप्ति के उद्देश्य से नहीं किया अगर इंद्र तप्ति के उद्देश्य होता तो युधिष्ठ महाराज आज ये नहीं कहते कि मैं राजा नहीं बनना और ये सारी लीला नहीं रची जाती तो दैट इज ऑफ सिंह कई बार लोग बोलते हैं महाभारत में कि युद्धिष्ठ महाराज की इच्छा थी ना युद्ध करने की उनके अंदर भी बदला लेने की भावना थी नहीं युदिष्ठ महाराज की सिर्फ एक उद्देश्य था जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना धर्म की स्थापना करना क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी श्लोक संख्या दूसरा गोस्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं वम संदावाग्नि निर्तम समित्वा भव निवेश निजराज ईश्वरो युधिष्ठर प्रीतमना बभूव कुरुवंश वंशम कुरु वंश, कुरुवंश दवाग्नि निर्हरतम जैसे फॉरेस्ट फायर होती है दावाग्नि मतलब संसार दावा नरली दलोका दावाग्नि इज अ वेरी फेमस वर्ड वी यूज इट डे एंड डे आउट दवाग्नि मतलब आ, आग तो कहते हैं फॉरेस्ट फायर वंश दावाग्नि मतलब अग्नि ये जो फॉरेस्ट जैसे वंश है जो जंगल में आग लगती है तो जंगल जल जाता है जंगल में आग कैसे लगती है अपने आप उसी प्रकार ये कुरु वंश अपने कान और अपने मतभेदों के कारण पूरा का पूरा जलकर नाश हो गया थर्ड लाइन निवेशित्वा व निज राज ईश्वरो तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान हरि दूसरी लाइन में हरि को संबोधित करके बोला गया है कि भगवान हरि युधिष्ठ महाराज को राजा बनाना चाहते थे और राजा बन चुके हैं तो चौथी लाइन में बताया जाता है प्रीता मना बबुवा इसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए जब युधिष्ठ महाराज फाइनली राजा बनने के लिए तैयार हो गए और राजा बन चुके हैं सो इस प्रकार का वर्णन किया गया तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से फॉरेस्ट फायर होती है उसका किस प्रकार भौतिक दुनिया पर असर पड़ता है उसका वर्णन किया गया है टेक्स्ट नंबर जिसमें बताया गया कि कैसे युधिष्टम महाराज फिर इस दुनिया को रूल करना शुरू कर देते हैं निशम विज्ञान विदूत विभ्रम शशाश गाम इंद्रिवाजिता परिध्य पाता अनुवर्ति तो अपने अनुजों के संग अपने भाइयों के संग मिलकर युधिष्ठ महाराज ने जो कि भीष्म भीष्मोक्तम भीष्म के द्वारा उनके सारे संदेह जो नष्ट हो चुके हैं तो अब अपने अनुजों के संग अपने भाइयों के संग ज्ञान में पूर्ण रूप से स्टैब्लिश होने के बाद वो राज्य संभालते हैं तो यहां पर आप लोग के लिए होमवर्क है बहुत खूबसूरत पर्पट है जहां पर शिला प्रभुपाद अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल लीडर सो बाय द वे आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ भागवतम कॉपी विद यू अगर आप इस ओवरव्यू को पढ़ रहे हैं तो भागवतम के नोट बुक के संग पढ़ेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं तो ताकि जब आप बाद में अपने आप पढ़ें, आपको समझ आना आसान रहेगा तो ये परपर्ट आप टाइटल दे सकते हैं इस परपट का क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल लीडर जिसमें विस्तार से इसका वर्णन करते हैं तो द होमवर्क इज आप लोग उन क्वालिटीज को ढूंढकर यू कैन सेंड इट बैक ऑन टू द कार्तिक ग्रुप जो है नाउ टेक्स्ट नंबर फोर एंड सिक्स टेक्स्ट नंबर फोर टू सिक्स सुत गोस्वामी युद्धिष्ठा महाराज के राज के बारे में बताते हैं कि उनके राजा होने के कारण क्या असर पड़ा दुनिया पे कामम ववश्य पर्जन्य सर्वकामा दुगामहि शिशि च स्मवृजान गावा पस्य सूदस्वतेर्मुडह कामम जो सारी इच्छाएं है ववश्य पर्जन्य अववश्य ववशमी ववर्ष, वर्षा वर्षा होने से व्यक्ति को पीने का पानी मिलता है राइट दैट्स अ बेटर थिंग बेसिक थिंग जो एग्रीकल्चर है वो किससे होती है बारिश के पानी का उसमें बहुत आवश्यकता होती है सर्व कामा दुगम ही सर्व कामा दुगाम दुगा मतलब जमीन तो जमीन और बारिश होने के कारण व्यक्तियों की जो भी इच्छाएं थी सब पूर्ण हुई इच्छाएं क्या है पीने का पानी चाहिए और खाने के लिए जो भी नेचर से गिफ्ट मिलते हैं जो जमीन से निकलता है वो शिशिचूस्म ब्रजान गावा गावा का मतलब होता है गाय गाव गाए, गावा संस्कृत वो इतनी प्रसन्न थी भगवान युधिष्ठ महाराज के रूल में इतनी प्रसन्न रहती थी कि उनके स्तन हमेशा दूध से भरे रहते थे और जब भी वो जमीन पे चलती थी जैसे गाड़ी का जब पेट्रोल लीक करता है तो जाते तो पीछे ट्रेल छूट जाता है ना पेट्रोल का या जब वो कहते हैं एसी का पानी लीक करता है ना एसी के उससे जो भी होता है एग्जॉस्टिक करके जब पानी लीक करता तो देखा होगा एक ट्रेल बन जाती है तो जैसी इस प्रकार जब गाय चलती थी तो पीछे दूध की नदियां बहती थी कोई निकाल नहीं रहा दूध दूध इतना विशाल मात्रा में भरा रहता था उनके स्तनों में अपने आप ही टपकता रहता था तो ये क्या संदेश है संदेश है कि गाय बड़ी खुश थी तो प्रभुपाद बहुत खूबसूरत पपड़ है ये तीन चार पपड़ हा सो so, प्रभुपाद इस तात्पर्य बताते हैं सबसे पहली लाइन में द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेंटर्ड ऑन Land and cows. अगर व्यक्ति के पास जमीन है और गाय है फिर तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पे कुछ चार पांच प्रमुख पॉइंट्स कहे हैं उसको मैं सारांश में बताता हूँ <coughs> तो पहला पॉइंट पुपा लिखते हैं ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ महाराज युधिष्ठ उस समय जब युधिष्ठ महाराज रूल करते थे तो वहां पे रेगुलेटेड बारिश होती थी मतलब सीजन हुआ करते थे इसी समय बारिश होगी और उस बारिश होने से पूरे साल भर के लिए सबको पीने का पानी मिलता था और उस पानी के पानी से सफल कभी फसल कभी बर्बाद नहीं होती थी अनटाइमली बारिश से फसल बर्बाद होती है अभी हाल ही में खूब बारिश हुई ये नो हमारा पंडरपुर का मंदिर पूरा डूब गया और वहाँ की सारी फसल खराब हो गई सारा का सारा जो भी फसल खराब हुई जितना भी अनाज था सब खराब हो गया तो ऐसी कोई भी परेशानी युद्धिष्ठ महाराज के राज्य में नहीं थी केवल दूसरा पॉइंट लिखते हैं केवल बारिश के होने से केवल हमें ये फसल ही नहीं मिलती कंबाइन विद एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस देर इज एम्पल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूबल स्टोन एंड पर्ल्स तो धरती अपने आप या अनेक प्रकार के अनमोल रत्न देती है इस प्रकार से इसमें कई पॉइंट्स बता रखे हैं कि कैसे उस समय किसी भी चीज की कमी नहीं थी ना दूध की कमी थी ना अनाज की कमी थी तो कोई चाइना से सामान इंपोर्ट नहीं कर रहा था कोई लैब में आर्टिफिशियल मिल्क नहीं बना रहा था कोई भी परेशानी नहीं थी अगर आज वो परेशानी है तो उसका कारण क्या है क्योंकि हमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो हमारा समाज वो एथियस्टिक हो चुका है उस कारणवश वेद संस्कृति में जो बताए हुए नियम हैं उससे व्यक्ति जीवन ना जीने के कारण धरती और देवताएं दुखी होने के कारण आज इसलिए व्यक्तियों के ऊपर इतना संकट आया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्पट के लास्ट मेल एंड ऑफ द पर्पट फिफ्थ लास्ट लाइन युधिष्ठ महाराज नो नॉट युधिष्ठा महाराज यहां पे uh, मनुष्य की क्या धर्म होता है उसका वर्णन करा गया है ही इज एंडाउड तो एम गोना रीड गोन ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग इज एंडाउड विद इंटेलिजेंस मोर पावरफुल देन एनिमल्स फॉर रियलाइजिंग द कोर्स ऑफ नेचर एंड इंडिकेशन ऑफ एल माइटी फादर मतलब है कि मनुष्य को अधिक बुद्धि दी जाती है ताकि वो भगवान और भगवान के द्वारा बनाए हुए इस नेचर को समझ सके ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मैट नेचर विदाउट आर्टिफिशलीकोनॉमिक डेवलपमेंट टू टर्न दर्ल्ड इंटू क्रॉस ऑफ आर्टिफिशियल ग्रीड एंड पॉवर ऑनली फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिफिशियंड्रेटिफिकेस एंड द लास्ट लाइन इजी लाइन दिस्ज बट द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड हॉक्स आहार निद्र भयम चयनमेंशु पशु सामना धर्मोते धर्मेन ही न पशु सामना दटर्म के पालन करना बिल्कुल मन मन कर दिया है तो यहां पे मेरा आप सबसे प्रश्न है आज संसार में अगर किसी जीव से सबसे अधिक भय और कोई पर्टिकुलर जीव चौरासी लाख योनियों में से जो संसार को बर्बाद कर सकता है या सबसे भयभीत है और सॉरी जो संसार को बर्बाद कर सकता है वो कौन है जो संसार के नाश का कारण बना हुआ है शेर बिल्ली कुत्ता चूहा कोरोना कौन है जो आज संसार के बर्बादी का कारण बना हुआ है वॉट्स आंसर व्हाट्स आंसर ऑन आकाशवाणी नो 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 इट्स नॉट कोरोना इट्स ह्यूमंस कोरोना भी ह्यूमन्स की देन है उनके कर्म कहो हो फिलोसफी के अनुसार और उनके कर्म कहो लैब में जिन्होंने ये वायरस बनाया ह्यूमंस बिकॉज अस ओनली आज पूरी दुनिया इतनी विचलित है और हाँ और यही नहीं प्रोपा तो तात्पर्य में स्लॉटर हाउसेस का भी वर्णन करते हैं किस प्रकार हम गाय जैसे इनोसेंट एनिमल जिसको संरक्षण की आवश्यकता होती है हम उसको मार रहे हैं फिर टेक्स्ट नंबर फाइव में आ, आगे वर्णन होता है कि किस प्रकार से नेचर समय समय पर समय के अनुसार युधिष्ठ महाराज को अपना टैक्स दिया करती टैक्स मतलब एग्रीकल्चर लैंड वॉज प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स द रिवर्स फिल्ड विथ फ्रेश और बारिश समय पे होती थी फ्लावर्स समय पे उगते थे उस प्रकार का वर्णन किया गया है में और छठे श्लोक में वर्णन आती है मनुष्य की नाध्यो व्याध्या नाध्यो व्याध्या क्लेशा दैव भूतात्म हेतव अजात शत्रा जंतु नाम राग्नि ना मतलब नहीं अध्यो अध्या अध्या का मतलब एंजाइटी उसको कभी चिंता नहीं होती थी कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा क्यों कोई जॉब ही नहीं करता था जो जॉब थी वो परमानेंट जॉब थी लाइफ लॉन्ग जॉब अगर होता भी था तो व्याधि बीमारियां नहीं थी ना मलेरिया था ना टाइफाइड था ना कैंसर था ना एड्स था ना मैडका मैडका डिशीज नहीं थी कोरोना नहीं था ये आपके एडवांसमेंट ने दिया है सारा कहीं ऐसा नहीं लिखा कि यू नो बेचारा कोई कैंसर के कारण चला गया हो शास्त्र में एक भी कहानी नहीं है इस बीमारी के कारण गया कोर्स देर वुड बी सम समीज नो डाउट बिकॉज ऑफ अन कर्म ये जो आज जो आज मॉडर्न डे में ये जो डिसीजेज हैं जो डेडी डिसीज हैं ये हमारे आ, आज के कर्मों के कारण है क्लेश, क्लेश क्लेश क्या है तीन प्रकार के क्लेश होते हैं अधि आत्मिक दैविक अधिदैविक भौतिक तो यहाँ दैविक क्लेश का वर्णन है मतलब उनको किसी भी प्रकार का नेचर से यू नो क्लेश नहीं था क्योंकि सब समय पे चलता था ठंड समय के अनुसार आती थी गर्मी समय के अनुसार आती थी आजकल तो सब मिक्स हो गया है नो अ पॉइंट दैव भूतात्महेतवा अजात शत्रन जंतु नाम लाग नहीं करे तो उस प्रकार से सब जनता युधिष्ठ महाराज के रूल में बड़ी शांति से रह रही थी और किसी मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद नहीं था ना ही किसी मनुष्य जानवर के बीच में भेद था क्योंकि स्लॉटर हाउसेस नहीं थे टेक्स्ट नंबर तो इन सब का वर्णन करने के बाद सुत गोस्वामी या सारांश से बताते हैं कि कैसे युद्धिष्ठ महाराज को पावर ने करप्ट नहीं किया और सही मायने में इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ट को राजा बनाना चाहते थे और उनके राज्य में सब खुश थे और खुश क्यों थे क्योंकि वो धर्म का पालन करते रहे टेक्स्ट नंबर सेवन में वर्णन आती है अब भगवान श्री कृष्णा नो टेक्स्ट नंबर सेवन में बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों के संग कुछ समय के लिए रुके और फिर टेक्स्ट एट में बना रहता है कि फाइनली कुछ समय रुकने के बाद भगवान श्री कृष्ण अब पांडवों से पर्टिकुलरली युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा मांगते हैं वापिस जाने के लिए टेक्स्ट नंबर एट आमंत्र अनुज्ञात परिसम आरुरो कथम कश्यत परिश्वक्तो विवादिता तो इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठ महाराज से आज्ञा मांगने के बाद उनको सम्मान देते हैं उनको प्रणाम करते, करते हैं और वहाँ युधिष्ठ महाराज भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन करते हैं और साथ ही साथ सभी पांडव और बाकी जो इत्यादि वहाँ पे वरिष्ठ हैं सब भगवान श्री कृष्ण के संग प्रेम का लेदन करते हैं तो मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा पहले भी वर्णन हो चुका है युधिष्ट महाराज एज में भगवान श्री कृष्ण से वरिष्ठ थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उदाहरण अपने उदाहरण के रूप से हमें सिखा है कि कैसे हमें वरिष्ठों का आदर सम्मान करना चाहिए यू नो इवन शिला प्रभुपाद एन ही वुड मीट एनी सीनियर प्रभुपाद की एज के बराबर हो एज से बड़े हो तो प्रभुपाद विल स्पीक रेस्पेक्टफुली ऑफकोर्स प्रभुपाद तो हमेशा रेस्पेक्टफुली हर से बात करते थे बट जो एज के अनुसार व्यक्ति को आदर सम्मान मिलना चाहिए वो हमारी संस्कृति है ये नहीं कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज में बहुत ज्ञानी हो चुके हैं तो हम अब एज का ये जो कहते हैं कदर होती है वो भूल जाएंगे क्योंकि हमारी एज क्या है एजलेस न जायते थे वा वाह कदाचित ना बबित मैं तो अमर हूँ मेरी उम्र क्या है उम्र जान के करना क्या है तुम्हारी भी उम्र कुछ नहीं है तो दैट्स रॉन्ग द आइडिया तो उस प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने उदाहरण से समझाए कैसे वरिष्ठों का आदर सम्मान करना चाहिए और नौवे और दसवें श्लोक में वर्णन आते हैं कि कैसे अब जब सबको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जाने वाले हैं सबको कितना दुख पहुंचा इतना दुख पहुंचा कि लोग मूर्छित हो गए हम जब दसवें स्कंद से रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के चैप्टर का वर्णन कर रहे थे वे कृष्णा टीजेज रुक्मिणी तो उसमें क्या होता है भगवान का आइडिया था ह्यूमर का और वो आइडिया किसमें बदल जाता है हॉरर स्टोरी भगवान ने सोचा था रुक्मिनी को टीस करेंगे चिड़ाएंगे थोड़ा ताकि वो गुस्सा हो गई क्योंकि रुक्मिनी कभी गुस्सा नहीं होती और तो भगवान के चिड़ाने के कारण मदर मतलब रुक्मी बेहोश हो गई तो आपको याद होगा उस समय बात कर रहा था लोग बेहोश क्यों होते हैं दो कारण से बेहोश होते हैं एक फिजिकल पेन दूसरा इमोशनल पेन तो यहाँ पे सोचिए इस समय सभी पांडवों को जिनका वर्णन है कितना मानसिक चोट पहुंचा होगा विरह के बारे में सोचकर कि सोचते ही सुनते ही सोचते ही सारे के सारे बेहोश हो गए उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे और फिर 11वें और 12वें श्लोक में आता है ससंगान मुक्त दुष्संगो हातों नो सहते बुद्धा कीर्त्यमानम् यशो यस्या रोचनम आकर्ण्य रोचनम् तस्मिन्न्यस्तद्यापाताह सहिरन विरहम् कतम दर्शन स्पर्श समलाप शयनासन भोजन है तो किस प्रकार यहाँ सूत्र गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार सभी जो हसनापुर में थे उनको एक तीव्र विप्रलम्ब भाव का एहसास होने लगा विप्रलम्ब भाव मतलब फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन और सब बहुत दुखी हो गए ये जानकर कि अब भगवान श्री कृष्ण हमारी आंखों से हो ओझल हो जाएंगे और ये पता नहीं कि कब हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन दोबारा मिलेगा इस प्रकार से इन श्लोक में वर्णन आती है बहुत खूबसूरत पर्पट है जहाँ वर्णन आता है कि कैसे व्यक्ति के पास चॉइस है या तो भगवान की सेवा करो या माया की सेवा और माया की सेवा के बारे में बताया गया है माया क्या है माया हमेशा प्रॉमिस करती है दूंगी पूर्ण रूप से दूंगी क्या दूंगी सुख हम उस सुख की खोज में लगे रहते हैं आजीवन कॉलेज में जाऊंगा तो सुख मिलेगा माता पिता बाइक देंगे घुमाऊंगा